पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा, चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक, पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक। देखिए मेरे साथ fastbite.tv। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की सरेआम हत्या के बाद चारों तरफ रंजो गम का माहौल है। घाटी में बीते दिवस इस हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। अंतिम संस्कार से पहले राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी भट्ट का यह बयान भी सामने आया कि हत्या से 10 मिनट पहले ही उसने राहुल भट्ट को नौकरी छोड़कर आ जाने के लिए बोला था। मीनाक्षी भट्ट की जुबानी यह दर्द उन कश्मीरी पंडितों की आपबीती है जो जम्मू कश्मीर में अपनी असमत और जान दोनों बचाए हुए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हर आंख उन्हें घूरती और तमाम सवाल खड़े करती नजर आती है। इन हालातों में द कश्मीर फाइल्स के जरिए 337 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले निदेशक विवेक अग्निहोत्री व एक्टर अनुपम खेर पर भी लोगों का गुस्सा उतरता नजर आ रहा है। लोग सीधे सवाल करते नजर आ रहे हैं कि जन भावनाओं को कैश करने वाले विवेक व अनुपम खेर अब राहुल भट्ट की हत्या पर खामोश क्यों हैं। इस बीच राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी भट्ट का वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही बता रही हैं कि कश्मीर पंडितों को बलि का बकरा बना दिया गया है। अमित शाह अपनी सुरक्षा के कारण 3 बार यहाँ का दौरा रद्द कर चुके हैं। आइए पहले देखते हैं मीनाक्षी भट्ट का वह इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी भी हमारा नहीं देख रहा है, वो नहीं हमारा सोच रहा है, वो अपनी सियासत चला रहा है, ना रही है बलि का बकरा बना रही है उधर, वो कुछ नहीं सोच रही है, ना सेफ्टी का ना कुछ, वो वहाँ पे बलि के बकरे हैं सारे, जाके काटेंगे ही उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर इस समय आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप? अमित शाह क्या बोलेगा, अमित शाह को है ही नहीं बटोगा, वो तो सीधा ही बोलता है कि जैसे बाकी रह रहे हैं आप क्यों नहीं रह सकते, आप सोचो अपना, वो क्या करेगा? उसने वो अपनी सेफ्टी के लिए 3 बारी कैंसिल करा चुका है, उसको लाओ हाँ बीच में डालो इनके, वो खुश हो जाएंगे। मोदी को लाओ और बीच में डाल दो उनके, वो खुश हो जाएंगे। बस उनको उन्हीं से जिद है, बाकी किसी से जिद नहीं है, बस भी है। इसी साक्षात्कार के नीचे तमाम लोग अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। निगम मिश्रा लिखते हैं कि कहां हो विवेक अग्निहोत्री व अनुपम खेर, जाओ और रियल फिल्म बनाओ, यहाँ इस सरकार की जिम्मेदारी का एहसास कराओ यदि जमीर जिंदा है तो। सुरेश बिटोड़ी लिखते हैं कि इसके लिए ये दोनों तो जिम्मेदार होंगे, कश्मीर पंडितों पर फिल्म बनाकर माल बनाने वाले राहुल भट्ट की हत्या पर खामोश क्यों हैं। अजय लिखते हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है, बाकी कोई फिल्म बनाकर पैसे छाप रहा है तो कोई जेड सिक्योरिटी लेकर पीएम संग फोटो खिंचा रहा है। अनुराग लॉय लिखते हैं कि विवेक व अनुपम एक स्टोरी और बनाकर करोड़ों कमा लेना अच्छा मौका है। गिरीश सोनवलकर लिखते हैं कि अब धीरे धीरे सब कश्मीरी पंडित इनकी पोल खोलेंगे, खुद दिल्ली में हाई सिक्योरिटी में रहते हैं और बात करते हैं कश्मीरों पंडितों की सुरक्षा की। पवन लिखते हैं कि इन्हें पीएम की इज्जत करनी नहीं आती, इन पर UAPA लगना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।